नाजरीन आदाब बेटी, भारत में आपका खैर मकदम है। कजुहापुरा जहाँ बड़ी तादाद में मुस्लिम आबाद है और वहाँ पर एक अदद टॉयलेट के लिए, पखाने के लिए लोग सरकारी पखाने के लिए तरस रहे हैं। आखिर क्या कुछ वजह है कि सरकारी टॉयलेट से यहाँ पर महरूम रखा गया है लोगों को, इस पर बात करेंगे। हम यहाँ के काउंसलर हैं मखदमपुरा बोर्ड के, मिर्जा हाजी असरार बेग सर। इतने साल से यहाँ पे आबादी 30 से 40 साल हो गए रह रहे हैं। हर एक किलोमीटर पे बताया जाता है कि एक सरकारी टॉयलेट होना चाहिए। तरह तरह की नई नई डिलक्स टॉयलेट आ रही है, पिंक टॉयलेट आ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई छोटी टॉयलेट भी बना के नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ वजह है? इसलिए हम कई सालों से अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बार बार गुहार लगाते हैं, कहीं एनजीओ यहाँ पर टॉयलेट के लिए और जाहिर शौचालय के लिए बार बार रजूआत करिए। बात छोटी सी है लेकिन ये पीएमओ तक सवाल पहुँचा है, लेकिन आज दिन तक राज्य सरकार हो, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, पीएमओ ऑफिस हो, आज तक सिर्फ सवाल और जवाब हुए, लेकिन आज दिन तक टॉयलेट नहीं बना। सरखेज रोजा, वहाँ पर कई लोग यकीनमंद आते हैं, बाहर गांव से लोग आते हैं, ईंटों के धंधे वाले, भट्टे वाले, उनकी खर्ची होती है, आजू बाजू गांव से बाजार में आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एपीएमसी मार्केट है, एपीएमसी मार्केट में सारे हिंदुस्तान के लोग आते हैं। अब उनको कुदरती हाजत अगर लगी है तो जाए कहाँ। साथ ही साथ लेडीज होती है, उनको तो इतनी तकलीफ पड़ जाती है कि बेचारे कहीं सफ़र करते हों, सफ़र के दरमियान उनको कहाँ पहुँचना एक सवाल पैदा होता है। बातें बड़ी बड़ी होती है, पिंक टॉयलेट की होती है और शौचालय की बात आ रही है, घर घर शौचालय की बात आ रही है, लेकिन इस इलाके में अफसोस से कहना पड़ता है, कई सालों से कई एनजीओ लगी हुई है, कई लोग लगे हुए हैं। हमने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बार बार दरखास्त की हुई है, लेकिन आज दिन तक ये टॉयलेट का मसला हल नहीं हुआ है। और किसी भी प्रकार का, चाहे पिंक हो चाहे और कोई भी कलर का हो, या पिंक के अलावा कोई भी टॉयलेट नहीं बनाए, हम इतनी भारत से गुहार लगाते हैं कि अब ये लोगों की समस्या जल्द से जल्द हल हो जाए और हमारी बात सरकार के बेरे कानों तक जाए और इस बस्ती के और आने जाने वाले लोगों को कुछ सहूलत मिल जाए और टॉयलेट बन जाए। जी, हमारे साथ इस वक्त सोशल वर्कर हैं अफजल यू खान सर। सर, आप इतने साल से रह रहे हैं जुहापुरा इलाके में, खासतौर से यहाँ पर बुनियादी सहूलियात से तो बहुत सारे चीज़ों से लोग महरूम हैं, लेकिन हर जगह टॉयलेट नज़र आती है लोगों की ज़रूरत आ जाती है। इस इलाके को क्यों महरूम रखा गया? ये तो तरक्की का मॉडल कहलाता है, गुजरात में नई चीज़ें यहाँ पर बनती हैं, यहाँ से सियासत शुरू होती है, तो यहीं पर क्यों इस तरीके से महरूम है? स्वच्छ भारत अभियान के अंदर मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर सरखेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ पर जायरीन ऑल वर्ल्ड से आते हैं, और जब भी आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट अहमदाबाद की खोलेंगे तो उसमें सरखेज रोज़ा सर फहरिस्त आएगा आपको। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉयलेट और बाथरूम की ज़रूरत है, तो मैं ये सरकार से अपील करता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर देर आए दुरुस्त यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स इस तरह का डेवलप हो जाए कि जायरीन के लिए जिसमें टॉयलेट, बाथरूम और थोड़ा विश्राम गिरी भी हो जाए। दूसरा, यहाँ एपीएमसी है गुप्ता नगर में, यहाँ पर अपने हिंदुस्तान से व्यापारी आते हैं और ट्रक लोडिंग वाले लोग आते हैं, अनलोडिंग वाले आते हैं। यहाँ पर भी अगर एक इस तरह का स्वच्छ भारत अभियान के अंदर टॉयलेट का बन जाए सिस्टम, तो हम सरकार के बहुत ही मशहूर और ममनून रहेंगे। जी, तो अपील की जा रही है टॉयलेट बनने के, लेकिन हाजी भाई, आप तो इतने साल से कॉर्पोरेटर हैं, आपने पंचायत को भी देखा यहाँ पर, तो बनाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही? आप लोग ने इतने सारे लेटर्स फिल किए, कॉर्पोरेशन में गुहार लगाते हैं, लेकिन क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कुछ एनजीओ जो शौचालय बनाती है, वो हमने एनजीओ को भी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में
उनको बताया कि ये इस एनजीओ काम करने को तैयार है। साथ ही साथ हमने जगह भी दी कि सर्किट पुलिस स्टेशन के बाजू में सर्किट बस स्टैंड है, जगह भी दी, लेकिन नियत अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बनाने की नियत नहीं थी, इसलिए ये नहीं बना। अगर नियत होती काम करने की स्वेच्छा से, अगर उम्मीद रखते हैं तो वो काम होता है। बाकी कुछ इलाके ऐसे हैं इरादा पूर्वक ही लोग परेशान हो ऐसा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो एमएलए भी बीजेपी का है, हाँ, और इलाके में इतने सारे वोट बीजेपी को जाते हैं, उसके बावजूद ये चीज़ें क्यों नहीं सुनने दी जाती? आप लोगों ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है इस तरह से? आपने बहुत सही बात कही कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी यहाँ के और यहाँ के एमएलए अमित ठाकर भी हैं। हम तो ऐसे ही पॉलिटिकल यतीम हैं, हमारा कोई है ही नहीं, तो हमारा अगर नहीं है तो छोटी छोटी प्राथमिक सुविधाओं के लिए हमको हाईकोर्ट जाना पड़ता है, तब भी ये सरकार हाईकोर्ट को भी घोल के पी जाती है। तब क्या हमको शौचालय के लिए भी क्या हाईकोर्ट जाने की मजबूर होगा करना पड़ेगा? समझ में नहीं आता। एक छोटा सा मसला है, हुकूमत बड़ी बड़ी बातें करती है, विकास की गुलबांगे पुकारती है, लेकिन हमारे इलाके में एक छोटा सा शौचालय नहीं बनाकर एक असलियत सरकार की विकास नहीं करने की और सच्ची नीयत क्या है उनकी कोई पता नहीं चलता। तो हम फिर से कहेंगे कि आने वाले वक्त में लोगों को देख के, लोगों की परेशानियों को देख के, ये इस इलाके में अच्छे बेहतरीन पिंक कलर या कोई भी जो आज बड़े प्रचार हो रहे हैं पिंक शौचालय, केंद्र सरकार कह रही है शौचालय, लेकिन बस्ती यहाँ की रोड लोग आने जाने वाले शौचालय से महरूम जी। एक बात और कहेंगे कि खास कितनी ज़रूरत है, कितनी टॉयलेट यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि कॉरपोरेशन हर साल बजट तो देती है, नए नए टॉयलेट बनते हैं, नए नए तरीके से नई नई फैसिलिटी के टॉयलेट बनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक टॉयलेट बनाने के लिए उनके हाथ नहीं उठ रहे हैं, बजट नहीं निकाल रहे हैं, तो कितनी ज़रूरत महसूस हो रही है इसका? ज़रूरत तो जी बहुत सारी ज़रूरत, जैसे मैंने बताया पहले एपीएमसी मार्केट सारे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, ट्रक ड्राइवर आते हैं और दूसरी छोटी छोटी रिक्शा वाले ड्राइवर आते हैं, लोकल ड्राइवर होते हैं और लोकल व्यापारी भी आना जाना रहता है, कहीं ना कहीं सुबह का वक्त होता है, कुदरती हाजत लगना है बट नेचुरल लगना है, तो वहाँ भी लोगों को परेशानी। साथ ही साथ यहाँ सड़के जुआपुरा रोड उठा लो और उसके आगे उठा लो सड़के जिसे वर्ल्ड हेरिटेज की बात हुई, वहाँ पर भी पहले लोग सारे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, अब फॉरेन के लोग भी आते हैं, एक वर्ल्ड हेरिटेज है, उसके आगे जाए तो उजाला होटल तक सौराष्ट्र काठियावाड़ और नेशनल हाईवे लगा पड़ा है, तो वहाँ भी कई लोग आते हैं, एसटी आते हैं, बस आते हैं, लग्जरी आती है, हर तरह के लोग आते हैं। आज लोगों को जरूरियात है पर लेकिन सरकार नहीं समझती कि किसको जरूरियात है, फिर सिर्फ उनको अपने वोटों की जरूरियात है, और सरकार चले या ना चले हमारा गाड़ा चलना चाहिए, वो उनको जरूरी है। अब इसके लिए आगे बार बार लिखा है, फिर से हम पीएमओपी देंगे। यहाँ की एनजीओ के तमाम लोग बहुत एक्टिव है, कोई जगह राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार से लेके कोई जगह बाकी नहीं है, लेकिन सरकार को बस पत्र व्यवहार करना है, एक दूसरे पर ढोलना है और ये बना देंगे कि वो कर देंगे, ये नहीं है ना वो नहीं है, सिर्फ अब हम उम्मीद रखते हैं कि अब पत्र व्यवहार ना हो, अब नया शौचालय हो जी। ये थे मिर्ज़ा हाजी असरार बेग और सामाजिक कारकुन अफजल खान सर, जो बता रहे थे कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में मौजूद जुहापुरा सर्किट में किस तरीके से ज़रूरत है एक टॉयलेट की, लेकिन उसे दिया नहीं जा रहा है, बनवाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी परेशानी है। इसके लिए बहुत सारे लेटर्स भी लिखे गए हैं, दरखास्त भी की गई है, लेकिन अब तक टॉयलेट से महरूम रखा गया है यहाँ के लोगों को। अब देखना यह है कि हमारी इस बात को सुनकर सरकार कुछ कदम उठाती है या नहीं। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशना।